नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित आवाज और मैं हूं राशिद। खबर है पंजाब से, जहां पंजाब के पटियाला में बवाल मच गया है। बवाल क्यों मचा है और क्यों दो समुदाय आमने सामने हैं, इस पर क्या साजिश हो रही है, किसने क्या है, कौन इसका दोषी है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताऊं कि वहां पर माहौल उस वक्त गर्म हो गया जब दो समुदाय खालिस्तान के नाम पर आमने सामने आ गए। पत्थरबाजी हुई, फिर तलवारें चली, उसके बाद बवाल इतना बढ़ गया कि तलवारें लेकर सड़कों पर लोग भागते हुए नजर आए। अब पुलिस वीडियो के आधार पर लोगों को पकड़ रही है और कह रही है कि इसमें एक भी दोषी नहीं बचेगा। उधर पंजाब के नए नवेले मुख्यमंत्री बने भगवंत मान काफ़ी नाराज़ हैं इस घटना से। उन्होंने जैसे ही ये घटना सामने आई उसके तुरंत बाद उन्होंने मीटिंग की, पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए और एसपी एसएसपी सभी को वहां पर उन्होंने हटा दिया। उसके बाद वहां नए पुलिस अफसर लगाए गए और अब उन्होंने कहा है कि इस घटना में एक भी आरोपी बच नहीं पाएगा, एक भी दोषी बचना नहीं चाहिए, सभी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आखिर पंजाब के पटियाला में ऐसा क्या हुआ? दिन 29 अप्रैल, पंजाब के पटियाला में शिवसेना के कार्यकर्ता एक मार्च निकालने वाले थे। इस मार्च का नाम था खालिस्तान मुर्दाबाद। इसी के नारे लगाते हुए पटियाला की सड़कों पर जा रहे थे। अब जैसे ही वो नारे लगा रहे थे, कथित तौर पर नारे ये लगे खालिस्तान मुर्दाबाद। इस दौरान वहां पर कुछ संगठन के लोग आ गए। संगठन कौन? जो खालिस्तान समर्थक थे। पहले शिवसेना के कार्यकर्ता आगे जा रहे थे अपना खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च का नारा लगाते हुए। इसके विरोध में खालिस्तान के समर्थक आ गए और उसी मार्च में शामिल हो गए। दो समुदाय आमने सामने आ गए और एक तरफ नारा चलने लगा खालिस्तान मुर्दाबाद का, तो दूसरी तरफ नारा चलने लगा खालिस्तान जिंदाबाद का। ये देखकर वहां बवाल मच गया, दोनों समुदाय आमने सामने आ गए और देखते ही देखते वहां तलवारें निकल गई, लोगों के बीच झड़प हो गई, बवाल मच गया। एक बात मैं आपको और बता दूं कि इन दोनों ही समुदायों को अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी ये मार्च निकाला गया। मार्च के बाद बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस को वहां हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। वहां एक मंदिर है जिसका नाम है केला देवी, वो खासा चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि वहां पर ये सब कुछ हुआ, घटना वहीं पर घटी, पत्थरबाजी हुई, मंदिर पर लोग चढ़े, उसके बाद तलवारें निकली और बवाल मच गया। पुलिस ने वहां हवाई फायरिंग तक की। उसके बाद कल से इस मामले में वहां माहौल गर्म है। पटियाला की सड़कों पर जो वहां पर तांडव मचा, आज कई वीडियो वहां पर वायरल हुए हैं और वीडियो के आधार पर ही पुलिस अपनी जांच पड़ताल को आगे बढ़ा रही है। वहां पर लोगों की शिनाख्त कर रही है और देख रही है कि इसमें कौन कौन शामिल है जो इस घटना में आरोपी बनाया जा सके। बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि इस घटना में जो भी अभी सामने आया है वो क्या है। पहला, खालिस्तान के नाम पर आखिर कौन थे वो जो लोग जो खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च निकाल रहे थे। इस मामले में एक नाम निकलकर सामने आया, पटियाला के शिवसेना नेता हरीश सिंगला। इन पर शिवसेना ने एक्शन लेते हुए इन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। दूसरी तरफ जो समुदाय है, सिख समुदाय है, जो कि खालिस्तान समर्थक है, उनके भी कुछ नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। जो देखा जा रहा है कि आखिर इन दोनों समुदाय में बवाल क्यों मचा, क्यों ये लोग भड़क उठे और उसके बाद अभी वहां गिरफ्तारी हो रही है। आपको बता दें अभी भी वहां पर माहौल गर्म है। इंटरनेट सेवा पुलिस ने वहां पर ठप की हुई है ताकि कोई अफवाह ना फैले। लोगों को पकड़ा जा रहा है, शिनाख्त की जा रही है, कई वीडियो वायरल हो गए हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर वहां पर यह हुआ क्यों। शिवसेना जो ये मार्च निकाल रही थी उसको जब अनुमति नहीं थी तो आखिर उसने किसकी अनुमति लेकर वहां मार्च निकाला, और अगर मार्च निकला तो वो लोग कौन थे जो खालिस्तान समर्थक थे, वो नारे लगाने लगे और दोनों के बीच बवाल की मुख्य वजह बनी। अब इस मामले में जो आम आदमी पार्टी है वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को इस बात का कसूरवार बता रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों को इस मामले का मुख्य बना रही है और दोनों पर आरोप लगा रही है। लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिर ये किसकी शह पर हुआ, क्या ये सोची समझी साजिश थी? क्योंकि हरीश सिंगला जिनका नाम सामने आ रहा है वो शिवसेना के कार्यकर्ता, शिवसेना के पटियाला के नेता हैं जिनके नेतृत्व में ये मार्च निकाला जा रहा था। अब पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया है। ये भी एक बड़ा सवाल है कि जब ये मामला सामने आया, ये मार्च निकाला और बवाल कटा, उसके बाद हरीश सिंगला का नाम सामने आता है और शिवसेना उनको निष्कासित करती है,
क्या इसकी जानकारी पार्टी को पहले से नहीं थी? क्या हरीश सिंगला ने इस बात की जानकारी अपनी पार्टी को नहीं दी थी? क्या वो ऐसा मार्च निकालने वाले हैं जिसमें ऐसे नारे लगाए जाएंगे? सवाल बनते हैं, और सवाल ये बनता है कि वो कौन से जो लोग थे जो खालिस्तान समर्थक के नारे लगा रहे थे? खुलेआम पटियाला की सड़कों पर तलवारें लहराई जा रही थी, वहां पर बवाल काटा जा रहा था। अब देखना यह है कि आखिर इस मामले में क्या होता है। फिलहाल जो पुलिस ने बयान दिया है, अब पुलिस के अनुसार वहां पर 10 बटालियन तैनात की गई हैं ताकि माहौल ना बिगड़े, हालात पर काबू पाया जा सके। इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई है ताकि कोई अफवाह ना फैले, माहौल ना बिगड़े। और वीडियो जो कल से खूब वायरल हो रहे हैं उसके आधार पर पुलिस अपनी जांच पड़ताल को आगे बढ़ा रही है ताकि आरोपियों को पकड़ा जा सके। इस मामले में हम अगली खबर आपके लिए लेकर आएंगे कि आखिर ये बवाल क्यों मचा, और जिस नारे के नाम पर खालिस्तान मुर्दाबाद नारा, आखिर खालिस्तान है क्या? क्यों इसके विरोधी नारे लग रहे हैं? क्यों कहा जा रहा है कि पंजाब को खालिस्तान नहीं बनने देंगे? और खालिस्तान समर्थक जो कहते हैं खालिस्तान जिंदाबाद, आखिर ये मामला है क्या? खालिस्तान क्या है? खालिस्तान किस बला का नाम है? खालिस्तान किस जगह का नाम है? और इसको लेकर क्यों ये बवाल मचा है? तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, और जनहित आवाज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।